हे माय बटरफ्लाई, कैसा आप सब? बढ़िया। नफ़रत की हद किस हद तक हो सकती है, इतनी कि कोई ज़िंदा इंसान को भी मरा हुआ बता दे। आई एम श्योर आपने ये लड़की की ये वाली शॉट ज़रूर देखी होगी, के पॉप आइडल जो मर गए, RIP, किम तेयोंग, कारण स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर, जोंग योन, कारण हार्ट अटैक। ये क्या लिखा है भाई? इनका रीज़न लिखा है हॉर्स अटैकिंग। आपको पता है ना, ये सब जिंदा हैं सारे के सारे। कोई कैसे किसी से इतनी नफरत कर सकता है? और इसको किसी के कमेंट से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कमेंट में इसको गाली भी दो तब भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर से ही हार्ट दे देती है। इसका सारा चैनल सिर्फ नफरत से भरा पड़ा है और गंदी लैंग्वेज से। कमाल की बात तो ये है कि फिर भी इसे 1.66 के लोगों ने सब्सक्राइब किया है और हर दिन इसके सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इतने लोगों का दिल भी इस बेवकूफ़ के जैसा है, इतने लोगों की सोच भी ऐसी है। इनफैक्ट कम्युनिटी पोस्ट पर ये इतने प्राउडली होकर पूछती है अब किसको हेट करना है। सीरियसली, कहाँ से लाते हैं ये इतनी नफरत जो दूसरों की मौत के बारे में सोचते हैं? मतलब देखो, किसी इंसान ने अगर हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो उसे बुरा बोलने का क्या मतलब हुआ? खैर, मैंने तो इसका स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद इसे रिपोर्ट कर दिया। आई होप बाकी लोग भी करेंगे, पर वही है कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना बहुत आसान है। जब इसका ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा तो ये दूसरा अकाउंट बना के फिर से नफरत फैलाएगी। एनीवे, हम तो बस रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, कितने अजीब अजीब लोग हैं इस दुनिया में। नेक्स्ट दी, आई हैव ए वन क्वेश्चन। ये आर्मी और मीडिया को पता कैसे चलता है कि जब आइडल कहीं पर जाते हैं तो बता के नहीं जाते हैं, और मीडिया और आर्मी 2-3 घंटे पहले से ही वहाँ पर कैसे पहुँच जाती है? लव यू टू। इट्स सिंपल, मीडिया खुद एक जासूस की तरह काम करती है। उनकी कंपनी के लोगों से जान पहचान होती है, इसलिए कंपनी और अपने जासूस से ही उन्हें ये सब पता चलता है कि कौन आर्टिस्ट कहाँ जाने वाला है। डिस्पैच और न्यूसेन कोरिया के मेन सेलिब्रिटी न्यूज़ चैनल हैं। उनका मेन काम यही बताना है कि कौन आइडल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्या कर रहा है, इसलिए कंपनी उन्हें बता देती है। और ये दोनों ही चैनल 2-3 घंटे पहले से ही लाइव स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए जो आसपास के फ़ैन हैं, जो इंचियोन एयरपोर्ट के पास रहते हैं, वो फ़ैन आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं। बाकी बहुत बार जब कुछ सीक्रेट काम से जाना होता है, कुछ प्राइवेट काम होता है, या कोई काम अगर नहीं बताना है मीडिया को, तो कंपनी नहीं बताती मीडिया को, और मीडिया को कहीं और से भी पता नहीं चलता। जैसे कि जब वी मेक्सिको गए थे, वी जैनिस किचन की शूटिंग के लिए मेक्सिको कब गई, इसके बारे में किसी मीडिया को पता ही नहीं चला, हमें सिर्फ उनका आना दिखाई दिया। हे दी, क्या आयु को जेल होने वाली है? प्लीज़ दी बताएं, आई लव यू। हाँ, मतलब ये सवाल पूछने के बाद लव यू क्यों, बटर लगा रहे हो क्या? एनीवे, आई लव यू टू। आयु को जेल? नहीं, एक्चुअली आयु पर सॉन्ग चोरी का इल्ज़ाम है। जिस इंसान ने पुलिस कंप्लेन की है कि BBI सॉन्ग उनका है और आयु ने चोरी किया है, असल में वो सॉन्ग आयु ने लिखा ही नहीं, सिर्फ गाया था। उसके राइटर जी जोंग हैं, और जी जोंग ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके लिखा है कि वो इंसान जो ये बोल रहा है कि ये सॉन्ग कॉपी है, वो झूठ बोल रहा है, ये सॉन्ग मैंने अकेले ने लिखा है और किसी की कॉपी नहीं की। खैर, इनका तो लगा रहता है। फ़िलहाल आयु का इनसे कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने सिर्फ सॉन्ग गाया था, तो कॉपी है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी आयु गुची के फैशन शो एंजॉय कर रही हैं। 16 मई, गुची फैशन शो, तो जो आयु के लिए परेशान हो रहे हैं वो मत हो प्लीज़। नेक्स्ट, प्लीज़ अटेंशन एवरीवन, के पॉप किलर सेल्जा इज़ बैक एंड हर नेक्स्ट टारगेट आर जिमिन, लिसा, येजी एंड मोमो। प्लीज़ स्प्रेड दिस मैसेज टू ऑल के पॉप फैंस प्लीज़। इफ़ इट हैपन्स देन शी विल चेंज हर वॉइस एंड आउटफिट, सो प्लीज़ कैन नॉट कैच हर। प्लीज़ स्प्रेड दिस मैसेज। दीदी, आप इस टॉपिक को मेन वीडियो बनाओ। नेवर। क्या होगा ये फैला के, फैंस अपना काम छोड़ के आइडल की सिक्योरिटी के लिए जाएंगे? नहीं ना, फिर अच्छा, जो नए फैंस है उन्हें शायद सेल्जा के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। नहीं पता ना? सेल्जा एक ऐसा नाम है जिसे के पॉप का हर एक फैन अच्छे से जानता है। सेल्जा को सेल्जिया, गॉडेस किम, किम योशिन या के पॉप किलर के नाम से भी जाना जाता है। इसने पास्ट में बहुत से आइडल्स को चोट पहुंचाई है।
टीएपी के मेंबर हिमचैन को जहर देने की कोशिश की। टीवीएक्सयू के युनहो की कॉफ़ी में ग्लू मिलाया। B1A4 के बारो के ड्रिंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया और एक्सो के सेहुन के ड्रिंक में जहर मिलाने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया था और चूंकि इनकी एज काफ़ी कम थी, ये सिर्फ स्कूल स्टूडेंट थी, इसलिए कोई बड़ी सज़ा नहीं हुई। सेल्जिया ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं एक साधारण मिडिल स्कूल की स्टूडेंट हूँ जो एंटी एक्सो पर एक आर्टिकल पढ़ती है। मैं एक्साइटेड हो गई और इसलिए मैंने अपने ब्लॉग पर विरोधी मतलब हेटफुल मैसेज पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब से मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह रहूँगी। इसके बाद सेल्जा का कोई नामो निशान नहीं था। फिर 2017 में जिमिन को मारने की धमकी मिली। आर्मी का कहना है कि ये सेल्जा ही है, लेकिन फिर सब शांत हो गया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब 2023 में पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सी जगहों पर इस तरह के कमेंट देख रही हूँ, सेल्जा इज़ बैक। पर मुझे पूरा यकीन है वो वापस नहीं आने वाली है। वो 2 दिन के जेल जाने से ही डर गई थी, वो क्या वापस आएगी? यकीन नहीं आता मैंने न्यूज़ देने के चक्कर में ये बात खुद फैला दी। मतलब मैंने इसलिए फैलाई क्योंकि बहुत सी जगह पर मैंने ये कमेंट देखे थे और मैं ये भी बोली हूँ कि सेल्जा वापस नहीं आई है। ओके, एनीवे मुझे यकीन है कि आप दिमाग से काम लेंगे। देखो हम यूट्यूबर हैं, हम कुछ भी बोलते रहते हैं, तुम्हें दिमाग से काम लेना है ना। बाकी आजकल अलर्ट मैसेज, प्लीज़ अटेंशन एवरीवन, ये सब बहुत देखने को मिल रहा है। अपने दिमाग को खोल कर रखें। मैं भी किससे कह रही हूँ, आप तो हैं ही स्मार्ट। ओके देन, लव मी, नहीं मजाक कर रही हूँ। अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं, टेक केयर।